एक्सरसाइज 3.21 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि x माइनस 2y माइनस जेड का होल क्यूब। तो जो ये क्वेश्चन है होल स्क्वायर ये क्वेश्चन है किस फार्मूले पे सॉल्व करना है इसे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे। ये फार्मूला क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। इस फार्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ई के प्लेस पे क्या दिया गया है एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर। बी के प्लेस पे है 2y तो प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर एंड सी के प्लेस पे है जेड, यानी कि प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू bc यानी कि 2 इंटू माइनस 2y इंटू माइनस जेड प्लस 2ac यानी 2 इंटू एक्स इंटू माइनस जेड। ठीक है, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए जब भी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं साइन किसका लगता है, प्लस का पॉजिटिव लगता है। प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 4xy प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा तो 4yz एंड माइनस 2xz। तो ये 5 के फर्स्ट का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है 5 का सेकेंड दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, जब इसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 3y प्लस 2 इंटू माइनस 3y इंटू 4z एंड प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4z। ठीक, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 24yz एंड प्लस 16xz। तो ये 5 के सेकेंड का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 2x प्लस 3/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह भी सेम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे ही है। तो पहले 2x का होल स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3/x प्लस 2 इंटू 3/x इंटू माइनस 1 एंड प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 1। ठीक है, तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1, x x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2 to the 4 4 to the 12 प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि माइनस 6/x एंड माइनस 4x। ठीक, तो अगेन जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 12 प्लस 1 प्लस 13 माइनस 6/x माइनस 4x। ठीक है, नेक्स्ट है 6 का सेकेंड 2/3x माइनस 3/2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3x माइनस 3/2x यानी 2 इंटू ए बी हो गया प्लस 2 इंटू बी सी यानी कि माइनस 3/2x इंटू माइनस 1 plus 2 into AC यानी 2 into 2/3 x माइनस 1। ठीक, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2/3 x² यानी कि 4/9 x² प्लस 9/4 x² प्लस 1 प्लस ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो बचेगा क्या ये -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ये 3/x, यहाँ -4/3x। ठीक है, यहाँ जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4/9 x² प्लस 9/4 x² माइनस 1 प्लस 3/x माइनस 4/3x। तो ये 6 के सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।